पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है मल्टीप्लाई द फ्लोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे इसके सब क्वेश्चन हैं कुछ, जिनमें ए जो है वो हमने लिखा है, बी को लिखा है। तो पहले हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम करेंगे 2 × 2 + 3 × 3, मतलब हमने पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से हमने इसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने सामने लिखना है 2 × -1 + 3 × 0। अब हम लेते हैं सेकंड रो को, 1 × 2 + 1 × 3, 1 × -1 + 1 × 0। इसी तरह से थर्ड रो को, 0 × 2 + -2 × 3। इसी तरह से हम इसको अगले कॉलम के साथ करते हैं, थर्ड रो को, 0 × -1 + -2 × 0। यहाँ पे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से किया 9, दरमियान में है प्लस, इधर है -2 आएगा, प्लस 3 को 0 से किया 0 होगा, 1 को 2 से किया 2 आएगा, प्लस 3 से 1 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 होगा, -1 को 1 से करेंगे -1, प्लस फिर आगे 1 को 0 से किया 0 आंसर। यहाँ 0 को 2 से किया 0, प्लस -2 को 3 से किया यहाँ पे 6, और 0 को किया तो ये 0, प्लस -, और यहाँ पे अगली एंट्री भी हमारे पास 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो वो भी 0 होगा। यहाँ पे आंसर इसका हम फाइंड करते हैं, हम 9 हमारे पास है यहाँ, 4 + 9 तो ये होगा 13, यहाँ पे -2, 2 + 3 यहाँ पे है 5, -1 और +0 यहाँ -1 ही होगा, यहाँ -0 - 6 तो -6 आंसर होगा, 0 - 0 यहाँ पे 0 होगा। तो ये हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया है जो आपके बिल्कुल सामने है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट बी क्वेश्चन को। यहाँ हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास 3 कॉलम हैं और 3 रोज हैं, हाँ ये पॉसिबल है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 + 2 × 3 + 3 × -1। तो बच्चों यहाँ पे गौर करें कि यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास चूँकि हर रो में एंट्रीज 3 हैं, और इसलिए नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें जो कॉलम है उसमें भी 3 एंट्रीज हैं। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन पीछे किए हैं उनमें 2 2 एंट्रीज के दरमियान यहाँ पे प्लस था, लेकिन अब यहाँ पे 3 एंट्री होने की वजह से यहाँ पे 3 एंट्रीज में ही हम प्लस की साइन को लगाएंगे। इसी तरह से इसी रो को अब हम अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 × 1 + 2 × 3 + 3 × -1। हम सेकंड रो को करेंगे 4 × 1 + 5 × 3 + 6 × -1। इसी रो को हम अगले कॉलम से करेंगे 4 × 2। तो बच्चों यहाँ पे 4 × 2 + 5 × 4 + 6
यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 2 को 3 से किया 6, प्लस 3 को 1 से किया तो -3। इसी तरह से नेक्स्ट 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 4 से किया 8, प्लस 3 को 1 से किया 3। इसी तरह 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 3, 5, 3 आर 15, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आएगा 6। इसी तरह से 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, प्लस 5 को 4 से किया 20, प्लस 6 को 1 से किया तो यहाँ पे आएगा 6। तो बच्चों 6, अब इन तमाम को हम प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है और 6 है, 6 और 1 को हमने प्लस किया तो 7 हुआ, तो लेकिन 7 में से ये 3 जो है माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 4। इसी तरह से यहाँ नीचे 4 और 15 को हम प्लस करेंगे 19 आएगा, उसमें से 6 जो है वो माइनस हो जाएगा तो यहाँ आंसर आएगा 13। यहाँ पे हमारे पास 8 और 2 10, 10 में हमने 3 प्लस किया तो यहाँ 13। इधर है हमारे पास 8 प्लस 20, 28 प्लस हमने इसमें 6 किया तो यहाँ पे आएगा जी। तो बच्चों हम इसे प्लस कर रहे हैं, 8 प्लस 20 28 और इसमें हमने 6 प्लस किया तो यहाँ पे आंसर आया 34। ये है हमारा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई का टू क्वेश्चन ए एंड बी। तो आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अगले क्वेश्चन जी। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन सी, इसको हल करते हैं। यहाँ पे एक बात मैं कह दूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सी तो साइंस में बहुत सी मिस्टेक कर लेते हैं, और फिर बाज़ औक़ात यहाँ पे जब हम एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसको लिख के फिर अगली रो को बिल्कुल उसके सामने लिख देते हैं। तो बच्चों इस तरह से नहीं करना, पहले आप लोगों ने फर्स्ट रो को लेना है, आगे मैट्रिक्स में जितने हमारे पास कॉलम हैं आप फर्स्ट रो को लें, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के अगले इसी रो को लेके अगले कॉलम से करें, फिर जगह छोड़ के अगले कॉलम से। तो इसी तरह से आपने हर रो को लेना है और हर कॉलम से फिर बिल्कुल उसी तरतीब से इसको मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। तो ये करना कैसे है मैं फिर आपको बता रही हूँ, तो आइए करते हैं। तो गौर से इसको समझिएगा। यहाँ पे 1 × 1 मतलब हमने फर्स्ट रो को लिया, अब हमने इनको 1 by 1 तमाम कॉलम से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 × 1 प्लस 2 × 4 मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस देकर आगे इसको करेंगे, 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 5 फिर है 1 × 3 प्लस 2 × 6। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट रो और हमने तमाम कॉलम्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। अब हम लेंगे सेकंड रो को, 3 × 1 प्लस 4 × 4। इसी तरह से सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 2 प्लस 4 × 5। उसके बाद इसी रो को हम थर्ड कॉलम के साथ, 3 × 3 प्लस 4 × 6। फिर हम अगले स्टेप में -1 मतलब थर्ड रो को हम करेंगे -1 × 1 प्लस 1 × 4, -1 × 2 प्लस 1 × 5। तो इसी थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ -1 × 3 प्लस 1 × 6।
अगर इस चीज को आप बिल्कुल ठीक लिख लो तो फिर जो मिस्टेक का चांस है वो नहीं रहता। इसके बाद वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन, टू को फोर से किया एट, इसी तरह आगे वन को टू से करेंगे तो टू प्लस टू को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे टेन, वन को थ्री से करेंगे तो यहाँ पे थ्री प्लस टू को सिक्स से करेंगे तो 12 आंसर। और थ्री को सेकंड रो में अब हम थ्री वन आर थ्री प्लस फोर फोर आर 16, थ्री टू आर 6 प्लस फोर फाइव आर 20, थ्री थ्री आर 9 प्लस फोर सिक्स आर 24, वन माइनस माइनस वन और प्लस वन, यहाँ पे आंसर माइनस वन आएगा। प्लस वन को फोर से किया फोर, माइनस वन को टू से किया माइनस टू, प्लस फाइव वन्स आर फाइव, माइनस वन को थ्री से करेंगे माइनस थ्री, प्लस सिक्स वन्स आर 6। इसी तरह से एट और वन यहाँ पे हो गया 9। अब हम इसे प्लस करने जा रहे हैं, 10 प्लस टू 12, थ्री प्लस 12 तो यहाँ पे आएगा 15, 16 प्लस 3 19, यहाँ पे 26 और 9 प्लस 24 33। फोर में से हम वन को माइनस करेंगे, यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 3। फाइव में से टू को माइनस करेंगे 3 आंसर, सिक्स में से थ्री को माइनस करेंगे तो 3 आंसर। ये है हमारा मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन के लिए। आगे है डी, डी को हम नेक्स्ट करते हैं इसी जगह पे। थोड़ा सा मैंने लाइन लगा के इसको सेपरेट कर दिया है। आगे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एट, इसी को भी ऐसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एट इंटू टू प्लस फाइव इंटू माइनस फोर, इसी तरह से इसी रो को लेंगे अगले कॉलम के साथ एट इंटू माइनस फाइव ओवर टू प्लस फाइव इंटू फोर, सिक्स इंटू टू प्लस फोर इंटू माइनस फोर, सिक्स इंटू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू प्लस फोर इंटू फोर। यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एट को टू से करेंगे 16 प्लस माइनस माइनस, फाइव को फोर से करेंगे 20, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा टू, फोर आर एट तो यहाँ पे आएगा फोर, फोर को फाइव से किया तो माइनस 20 प्लस 20, यहाँ पे सिक्स को टू से किया 12 प्लस माइनस माइनस 16, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे टू वन्स आर टू, टू थ्रीज आर 6 होगा और यूं हम थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 प्लस 16। इसमें हम 20 में से 16 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4, ये प्लस 20 माइनस 20 खत्म हो जाएगा, इनवर्स साइन के साथ 0 आएगा। 16 में से 12 माइनस हो जाएगा माइनस 4 आंसर, 16 में से ये 15 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो बड़ी रकम वाली साइन साथ आएगी, माइनस फोर जीरो माइनस फोर वन, इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर है। तो आगे करते हैं नेक्स्ट जी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन फोर का क्वेश्चन नंबर ई, मतलब यहाँ पे वेरिएबल सेंस क्वेश्चन में ए बी सी डी ई वगैरह, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पे जो मैट्रिसेस हमारे पास मौजूद हैं उसमें एक नॉन एक की एंट्रीज नॉन जीरो है और एक की जीरो है। यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो ही होगा। तो अब यूं तो हम इसको कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी
भी हम इसे वेरीफाई करने के लिए हल कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू जीरो, माइनस वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू जीरो, फिर वन इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो, फिर वन इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो। यहाँ पे अब जब हम तमाम एंट्रीज को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा ही जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो,